नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ, और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है, और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइज हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोग ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। कंगना रनौत सेक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन हैज कम आउट टू शेयर हिज व्यूज आफ्टर हिज नेम हैज सरफेस द हेडलाइंस। Let us tell you that Adhyan had given an interview in 2016 in which he claimed that Kangna used to take drugs and even forced him to take. He had said, on her birthday in March 2008 at the Leela, she had invited everybody that she had worked with. She said, let's do cocaine in the night. I had smoked hash with her a couple of times before and didn't like it, so I said no. I remember getting into the biggest argument that night because I said no to cocaine. And now, this interview is going viral. Anil Deshmukh said that Kangna will be investigated on the basis of an old interview of Adhyan Suman. Shiv Sena leader Sunil Prabhu and Pratap Sarnaik also submitted copies of Adhyan's interview to the government and demanded an inquiry into the allegations against Kangna. And therefore, Adhyan came out and requested everyone to keep him away from the ongoing controversy.